बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी प्रखंडों में 18 वर्ष से ऊपर के युवकों का कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। बड़ों की अपेक्षा युवकों में टीका लेने के प्रति काफी उत्साह है। जिले में 9 मई से युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक जिले में 13,000 से अधिक युवाओं ने टीका लिया है। वहीं जिले में बुधवार को युवाओं के लिए 21,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज प्राप्त हुई है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस के विश्वकर्मा ने बताया, वैक्सीन के प्रति लोगों की सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। वैक्सीन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वैक्सीन लेने वाले अगर संक्रमित भी हो रहे हैं तो उनमें कोई गंभीर लक्षण प्रतीत नहीं हो रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद किसी किसी में बुखार तथा दर्द की समस्या होती है, लेकिन कुछ घंटों में यह ठीक भी हो जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बेहिचक वैक्सीन लें और अपने परिवार को वैक्सीन दिलाकर कोरोना संक्रमण से बचे। मेरा नाम वैभव कुमार है, मेरा उम्र 23 साल है और अभी आज के दिन मैंने अपना कोविशील्ड का पहला डोज लिया है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत लोगों में ये चर्चा आ रही है कि युवाओं का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा, सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि जब भी आपको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी दिखे, ज़रूर से ज़रूर आके वैक्सीन लें और इस महामारी में सब एकजुट होकर इसकी लड़ाई करें। मेरा नाम रचना है, मेरा उम्र 25 साल है। हम सभी भाइयों को वैक्सीन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि कोरोना बढ़ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग घबराएं नहीं और जाकर वैक्सीन लें। बबली है, पहली बेज मैं सभी औरतों से अपील करना चाहूँगी कि आकर के वैक्सीनेशन जरूर, क्योंकि वो पूरे परिवार से जुड़ी हुई रहती है और महिला ही नहीं, सारे पूरे समाज से ये कहूँगी कि आकर के वैक्सीनेशन लें। तो मेरा नाम सुकन्या है, मैं एक छात्रा हूँ, मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है और मेरे लोगों से अपील है कि सब वैक्सीनेशन